हेलो एस्पिरेंट, सो इन टुडेज क्लास वी विल डील विद ऑल द ट्राइबल फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़, ऑल द ट्राइबल फेस्टिवल. अर्लियर इन द क्लासेस वी हैव डेल्ट विद द नॉन ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हमने देखा था जो सारे फोक फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ थे. एंड दिस फेस्टिवल टुडे वी विल डील विल बी द फेस्टिवल 14 फेस्टिवल टुडे वी विल डील. ये सारे फेस्टिवल होंगे ट्राइबल फेस्टिवल. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से फेस्टिवल कौन से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में पड़ते हैं, लेट्स सी दोज थिंग्स. फर्दर वी विल डील एक के बाद एक, फिर डेप्थ में देखेंगे हर फेस्टिवल के बारे में. सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, माटी तिहार. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीज फुटनी, इसको बीज फुटनी भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड ये आज सारे जितने मैं लिख रहा हूँ इतने हम आज कंप्लीट करेंगे. देन सेकेंड वन इज ककसार, द थर्ड वन इज गोबर बोहरानी. फर्दर फोर्थ इज सरहुल. दीज ऑल फोर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द मंथ ऑफ चैत्रा. चैत्रा नवरात्रि द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर जो होता है चैत्र, मार्च एंड अप्रैल, इन चारों ये चारों जो फेस्टिवल हैं ये चैत्र के महीने में बनाए जाते हैं. ठीक है, ऑन द मंथ ऑफ चैत्रा, और चैत्र में ही आपका पहला नवरात्रि पड़ता है, उसके फर्स्ट डे से ही आपका हिंदू न्यू ईयर चालू होता है. ठीक है, न्यू कैलेंडर हमारा चालू होता है. फर्दर द फिफ्थ फेस्टिवल इज भीमा जात्रा. फर्दर ये आपका पड़ता है ज्येष्ठ. ठीक है, द सिक्स्थ फेस्टिवल इज गोंचा. इज अ फेस्टिवल सिमिलर टू रथ यात्रा. तो रथ यात्रा कब पड़ता है, आषाढ़ में पड़ता है, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन, शुक्ल पक्ष सेकेंड डे. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रथ यात्रा, और छत्तीसगढ़ी में रजूतिया बोलते हैं अपन, रजूतिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है रजूतिया. फर्दर द सेवेंथ फेस्टिवल इज अमूंश तिहार. ये हरेली, सिमिलर टू हरेली है. देखिए हरेली में क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर टूल्स की पूजा करते हैं, इसमें हम लोग एनिमल के औषधि या आप क्या बोलते हैं दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए इसमें हम पूजा करते हैं. सावन ऑन द डे ऑफ हरेली के दिन पे होता है. चलिए ठीक है, फर्दर द एट्थ इज कर्मा ना, जो आप लोग सबसे फेमस आप देखे होंगे कर्मा डांस, तो ये इसी टाइम पे होता है. ठीक है, तो ये कब होता है, भादो. फर्दर वी हैव नाइन्थ वन नवाखाई. ये भी भादो में होता है, जब नया आपका अनाज आता है उसके बाद खाया जाता है. इसमें रोट मैंने बताया था आपको, रोट खाया जाता है, तो ये नवाखाई है, वही नवाखाई, नया खाना इसमें दिख रहा है आपको. फर्दर वी हैव बासी तिहार. दिस इज द लास्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ फागुन. फागुन कब आता है आपका, मार्च अप्रैल के बीच में आता है. तो दिस इज द लास्ट फेस्टिवल, अगर क्वेश्चन है पूछता है विच इज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको बताना है बासी तिहार फागुन के टाइम पे आता है. ठीक है, फागुन. फर्दर वी हैव मोर त्यौहार हम लोग के पास कौन सा, चारू जात्रा, अगेन दियारी तिहार. देन वी हैव बाली परब. देन वी हैव लक्ष्मी जगार. एंड द लास्ट वी हैव आमा खाई. ठीक है, तो इतने फेस्टिवल टुडे वी विल डील विथ, आप देख सकते हैं. चलिए पहला फेस्टिवल, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फेस्टिवल. द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज माटी तिहार, ऑल्सो कॉल्ड एज आई हैव टोल्ड यू बीज फुटनी. तो आपको नाम से समझ आ रहा है ये कुछ सीड से रिलेटेड है और ये कुछ जर्मिनेशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो द बेसिक थिंग आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई, और ये माटी से मतलब सॉइल से रिलेटेड है. देखिए तीन चीज़ें आपको दिख गई, सॉइल, सीड, जर्मिनेशन. तो यही बेसिस है, यही आपका एक्चुअली में त्यौहार क्या है, यही आपको खत्म हो जा रहा है पूरा. ठीक है, तो ये बनाया कब जाता है, चैत्रा में. चैत्रा आपको तीन चीज़ें याद रखनी, सॉइल, सीड एंड जर्मिनेशन. ठीक है, चैत्रा के मंथ में मनाया जाता है. द फर्स्ट त्यौहार है, पहला त्यौहार है, इसमें आपका जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल है उसको पूजा किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है. ठीक है, तो आप नोट्स लिखते जाइए, ट्राइबल ऑफ बस्तर वर्शिप. क्वेश्चन पूछता है विच फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल. किस फॉर्म ऑफ सॉइल, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल को इसमें पूजा जाता है. फर्दर इसमें किया क्या जाता है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको. इस टाइम पे जो बीज होते हैं, ये आपको दिख रहा है रेड कलर का,
ये रेड कलर की एक पोटली है, ठीक है, ये रेड कलर की पोटली, इसमें सारे बीजे बीजों को ला के रखा जाता है। इसमें माटी, जो माटी मतलब सॉइल, सॉइल को मिक्स किया जाता है। फर्दर ये आपको दिख रहा होगा, ये सियारी की रस्सी है, सियारी की रस्सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस फेस्टिवल। ये रस्सी से पूरा ऐसा बांधा जाता है, ठीक है, जो पोटली है उसको टाइट बांध लिया जाता है। और उसके बाद ये जो है आपका, ये जिस जगह पे इन लोग खड़े हैं, ये कौन सा इलाका है, दिस, ये इलाके को बोला जाता है देवगुड़ी। देवगुड़ी क्या होता है, वो एक सेंटर प्लेस होता है हर गांव का। ये जो पूरा आपको इलाका दिख रहा है ना, ये देवगुड़ी का इलाका है, देवगुड़ी, और यहाँ पे आपका सेंटर प्लेस है ये इस गांव का, ठीक है। तो इस जगह पे ये अपने देवता जो होते हैं उनको ये वो देते हैं, मतलब चढ़ाते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद ये सारे बीज को इन लोग लेके जाते हैं, और बीज एक्चुअली मिक्स्ड रहता है किसके साथ, एज अ प्रसाद, इनको प्रसाद लेके जाते हैं ये लोग। प्रसाद हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो हम लोग प्रसाद लेके जाते हैं, तो प्रसाद के रूप में इनको क्या मिलता है, वही राइस जो पोटली में बंद है, और प्लस सॉइल मिलता है, ठीक है, सॉइल। तो ये जो दोनों मिक्स रहता है, तो आपको एट द एंड ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, आपका अंकुर निकलता है, उससे जर्मिनेशन होता है। तो आप देखे होंगे जो, तो वो जो जर्मिनेशन है उसी को बीज फुटनी बोला जाता है, और ये त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो फर्दर वी कैन राइट द नोट्स, ये मैंने आपको बता दिया है त्यौहार मनाया कैसे जाता है। ये फोटो जो आप दिख रहे हैं, इमेज जो देख रहे हैं, ये इसी त्यौहार का, इसी फेस्टिवल का, इसी फेस्टिवल का, ठीक है। तो फर्दर वी हैव रिटन, ट्राइबल ऑफ बस्तर वर्शिप द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है, राइस और सीड जो होता है, राइस और राइस का सीड जो होता है उसको ले जाया जाता है, और इसको पोटली में डाल के, कपड़े में डाल के, सियाड़ी की रस्सी से बांध के, नेक्स्ट ईयर के लिए सो करने के लिए। मतलब ये एक्चुअली कौन से मंथ में हो रहा है, आप देख रहे हैं चैत्रा में हो रहा है, मतलब ये अप्रैल के मंथ, अब ये टाइम आ चुका है कौन सा आपका, इसके बाद बीज सो करने का, ऑन द फील्ड फार्मर विल सो द सीड्स ऑन देयर फील्ड। तो इन दिस मंथ ये आपको चढ़ाएंगे भगवान को ये सीड्स, और ये नेक्स्ट ईयर मतलब ये अगले मंथ के लिए सीड को सो करने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एज अ, ठीक है। तो फर्दर इसमें और क्या होता है, ये इसका अब क्वेश्चन है, पूछता है ये पूजा होता कहाँ पे, ठीक है, ये आपका पूजा होता कहाँ है, फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है, नियर द वेल, जहाँ पे देवगुड़ी होती है, देवगुड़ी इन ट्राइबल इलाका, जो इन एवरी विलेजेस देयर इज अ देवगुड़ी। एंड व्हाट इज देवगुड़ी, देवगुड़ी इज द मेन चौक, मेन चौक आप बोल सकते हैं, मेन चौक ऑफ दैट विलेज, दैट विलेज, उस विलेज का मेन चौक है ये, ठीक है, वेयर बहुत सारे गॉड आइडल्स वहाँ पे पहले से रहते हैं, यहाँ आके जनरली ये त्यौहार मनाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ विलेजेस आर सेलिब्रेटेड हियर क्यूमुलेटिव, सब लोग आके यहाँ मनाते हैं, तो यही देवगुड़ी होता है आपका। तो माटी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माटी त्यौहार इज सेलिब्रेटेड टू पे ग्रेटिट्यूड टू द अर्थ एंड इट्स सॉइल। देखिए, फॉर अ फार्मर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉइल। अर्थ है तो सॉइल है, सॉइल तो यही चीज, सॉइल को ग्रेटिट्यूड देने के लिए कि अच्छा अनाज हो, फर्दर हमारा जो आने वाला सोइंग सीजन है दैट शुड बी फ्रूटफुल, एंड देयर शुड बी अ गुड रेन एंड वाटर, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर अ फार्मर इज देयर सॉइल एंड देयर फार्म, ठीक है। तो माटी तिहार इज सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस gratitude to earth and its soil, earth and its soil, ठीक है। तो further आपको मैंने बता दिया, as a प्रसाद, प्रसाद जो मिलता है rice plus soil मिलता है, ये भी question है पूछता है, rice plus soil, ठीक है। These are brought back to their home, और ये फिर ये they mix it with their जो और seeds इनको germinate करने हैं, एंड ये इसके बाद इसको उगाते हैं। तो ये यहाँ पे end होता है हमारा कौन सा, फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल, दैट इज, दैट वॉज बीज फुटनी और माटी तिहार, ठीक है। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड द कक्साड़, कक्साड़, कक्साड़ इज दैट, जो कक्साड़ आपका होता है, ये फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है अभूज माड़िया के द्वारा। अभूज माड़िया जो कौन से आपको इलाके में मिलते हैं, मैंने बताया था नारायणपुर वाले इलाके में, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, तो यहाँ अभूज माड़िया लोगों ने मनाया द्वारा मनाया जाता है, बाय द ट्राइब ऑफ अभूज माड़िया। फर्दर ये और कौन कौन तीन ट्राइब बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए, दांडाणी, दांडामी, माड़िया एंड माड़िया ऑल्सो डोरला। तो ये चार क्वेश्चन है पूछेगा, तो ये चारों आपको पता होना चाहिए कि चारों मनाते हैं, बट बेसिकली जो मेनली कौन सा कौन मनाता है इसको, तो अभूज माड़िया मेनली कहीं पूछ देगा, तो इट इज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय अभूज माड़िया ट्राइब। तो वाई इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप फॉर द गुड हार्वेस्ट, ये ठीक है आपका, जस्ट ये जो बीज फूटनी है उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको क्यों, ये अच्छे हार्वेस्ट सीजन इनका अच्छा रहे इसके लिए मनाया जाता है, और इसी में ककसान डांस किया जाता है,
और दिस डांस इज यूजफुल फॉर चूजिंग द पार्टनर ऑल्सो, आपको पता होना चाहिए, एज अ आर्ट एंड कल्चर फॉर्म. ठीक है, तो फर्दर लेट्स राइट, इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ अबूज मड़िया, आई टोल्ड यू. तो ये कब मनाया जाता है? इन द मिडिल ऑफ समर एंड रेनी सीजन. When the summer season is ending and rainy season is going to start, Kaksad is celebrated. Kaksad is celebrated for good harvest. I have told you why. For good harvest. सबसे important चीज़ है, क्यों मनाया जाता है. ठीक है, further also a dance festival is organized. ठीक है, organized where the dance Kaksad is performed. Kaksad dance is performed. अच्छा, इट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये डांस होता रहता है, ये फेस्टिवल किया जाता है, इट इज यूजफुल फॉर चूजिंग लाइफ पार्टनर. ठीक है, पार्टनर. फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज गोबर बोहरानी. आपको यहां पे फिर दिख रहा होगा दो चीजें, गोबर यहां क्लियर हो रहा है, बोहरानी. ठीक है, बोहरानी. तो अब ये कब मनाया जाता है? दिस इज द थर्ड फेस्टिवल, और ये मैंने आपको पहले ही बताया, दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट द मंथ ऑफ चैत्रा. चैत्रा के ही महीने में मनाया जाता है, दैट इज द मंथ ऑफ मे एंड अप्रैल, सॉरी मार्च एंड अप्रैल. अब इट इज अ ये 10 डे फेस्टिवल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इट इज एन 10 डे फेस्टिवल. ठीक है, 10 डे फेस्टिवल. ठीक, अब इसमें होता क्या, सबसे पहले देखिए. ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है ये भी देख लीजिए. इट इज सेलिब्रेटेड इन सम ब्लॉक्स, सम ब्लॉक ऑफ छिंदनगर, सॉरी छिंदगढ़ ब्लॉक, छिंदगढ़ के कुछ जगह पर. छिंदगढ़ एक ब्लॉक है, ठीक है, 146 ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में, उसमें से एक ब्लॉक है छिंदगढ़. अब छिंदगढ़ में कुछ जगहों पर, इन सम विलेजेस ऑफ छिंदगढ़ दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. और छिंदगढ़ कहाँ पड़ता है? एट सुकमा, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. अब होता क्या है देखिए इसमें, इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डे का फेस्टिवल है मैंने बताया आपको. तो फर्स्ट डे में क्या होता है, जो ग्राम देवी होती है, ग्राम देवी, उनको एस्टेब्लिश किया जाता है. ठीक है, एस्टेब्लिश किया जाता है. इसी को बोला जाता है शिकार देवी, शिकार देवी. तो क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि शिकार देवी इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल या ग्राम, तो और या फिर ये भी पूछ सकता है कौन से डे में शिकार देवी को एस्टेब्लिश किया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से दिन में करा जाता है, फर्स्ट डे में किया जाता है. शिकार देवी वर्शिप, इसको आर्टिलरी जो होता है उसको वर्शिप करते हैं, तो शिकार देवी के थ्रू. ठीक है, वर्शिप जिससे इन लोग शिकार करते हैं ना, जो सारे के सारे ट्राइबल्स वेपन, उसी को इन लोग यहाँ वर्शिप करते हैं. आप होता क्या देखिए, तीन भाग में बटा हुआ है, जो पूरा 10 दिन है. द 10 डे आर डिवाइडेड इंटू 3 बेसिक पार्ट, जो होता है मॉर्निंग, आफ्टरनून और एंड एंड द लास्ट इवनिंग ऑफ एवरी डे. ये तीनों चीज़ों में डिवाइडेड है. अब होता क्या है, इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग द पीपल ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स सिचुएटेड एट द छिंदगढ़ ब्लॉक ऑफ द सुकमा डिस्ट्रिक्ट वर्शिप द वेपन, वर्शिप देयर वेपन्स. ठीक है, एंड फर्दर दे गो फॉर हंटिंग. आफ्टर वर्शिपिंग देयर वेपन दे गो फॉर हंटिंग. फर्दर इन लोग आते हैं हंट करके, सामान लेके आ जाते हैं, खाना वाना खा लिए. अब हियर द एट द आफ्टरनून द बेसिक थिंग दे डू इज दे ईट फूड एंड आफ्टर दैट दे रेस्ट फॉर द होल ऑफ द आफ्टरनून. आफ्टर दैट एट द इवनिंग दे ब्रिंग गोबर लाते हैं, गोबर टू द देवगुड़ी. अब चलिए यहाँ पे देवगुड़ी तो मैंने बता दिया, व्हाट इज देवगुड़ी. देवगुड़ी इज द सेंटर प्लेस वेयर ऑल द डेटी ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज इज एस्टेब्लिश. ठीक है, एंड एवरी पीपल ऑफ दैट विलेज कम देयर एंड सेलिब्रेट द डिफरेंट फेस्टिवल. अब देखिए, जब ये फेस्टिवल मॉर्निंग के टाइम, देन द पीपल, द मेल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज और ब्लॉक गोज फॉर द हंटिंग. सम पीपल आर लेफ्ट एट द देवगुड़ी, अब वो वहाँ क्या करेंगे, दे विल डिग अ पिट एट द फर्स्ट डे. ठीक है, दे विल डिग अ पिट एंड एवरी डे. जब ये इवनिंग के टाइम होगा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, जब गोबर लेके आएंगे, कौन, जो पीपल अपने अपने घर से दिन भर आराम करके आएंगे, तो इसी जगह पे ये गोबर को डालते जाएंगे. फॉर द 10 डे दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग जो ये चीज है ये चलती जाएगी. और एवरी इवनिंग जब ये इवनिंग में गोबर लाके डालेंगे, तो हर इवनिंग में यहाँ पे सिंगिंग एंड डांसिंग होगा, सिंगिंग डांसिंग, और दे विल एंजॉय. ठीक है, फर्दर ऑन द 10th डे, अब इतना लिख लेते हैं, फिर 10th डे के बारे में बताता हूं. पीपल लेफ्ट विल डिग अ पिट एट देवगुड़ी इन विच गोबर इज ब्रॉट फ्रॉम होम.
एंड कैप्ट एवरी डे, बताया ना मैंने, इन इवनिंग ना, इंपॉर्टेंट इज इवनिंग, किसी भी टाइम पे लाके डाल देंगे ऐसा नहीं, फॉर द होल 10 डेज, हर दिन ऐसा किया जाएगा। फर्दर ऑन द 10th, अच्छा फर्दर आई हैव टोल्ड यू कि इवनिंग में सिंगिंग एंड डांसिंग होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सिंगिंग डांसिंग। फर्दर एट द 10th डे, अब 10th डे आ गया, तो 10th डे में क्या होगा, यहाँ पे गोबर की होली खेली जाएगी, गोबर होली विल बी प्लेड, होली यानी गोबर एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, सटायर में चीजें बोली जाती है, ठीक है, तो एब्यूसिंग वर्ड यूज करते हैं, और द पीपल ऑफ द प्लेस, यहाँ पे देखिए इसीलिए जा रहे हैं गोबर ओबर, गोबर ये गोबर बोहरानी फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं लोग, ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हैं। फर्दर अब क्या हुआ, हाँ कहाँ थे हम, गोबर होली विल बी प्लेड, और जो पूरा गोबर का थोड़ा होली खेल नहीं लेंगे ना, तो जो गोबर बचा हुआ है उसको ये लोग लेके जाएंगे, एंड दे विल स्प्रिंकल इट एट द फील्ड फॉर द गुड हार्वेस्ट, ठीक है, लेफ्ट, ये लेफ्ट ओवर गोबर फ्रॉम द पिट, द पीपल विल टेक इट टू देयर फील्ड एंड स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल इट, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, खाद के रूप में काम आएगा आपके, ठीक है। तो फर्दर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज सरहुल फेस्टिवल, आप देख रहे हैं ये सरहुल फेस्टिवल है, ये सरहुल ट्री है, ये कौन सी ट्री है, सरहुल, इसी को बोला जाता है सरहुल, जो कि साल ट्री है आपकी, ये साल ट्री है, इसी के नीचे यहाँ देखिए फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सरहुल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्टोरी क्या है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन, सरहुल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ ओराव ट्राइब, ओराव ट्राइब, ओराव ट्राइब आपको कहाँ मिलता है, जसपुर वाले इलाके में मिलता है, सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड एट द चैत्रा पूर्णिमा, चैत्रा के पूर्णिमा के दिन में पड़ता है ये पूर्णिमा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए दो चीज़ें, अब इसमें स्टोरी क्या है, ये देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये स्टोरी ऐसी है कि कुछ इन अ विलेज देयर वर मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, एंड सम बॉय गोज बिहाइंड एंड छुप जाता है किसके पीछे, हाइड बिहाइंड अ साल ट्री, ठीक है, तो देयर कम्स अ राक्षस, और राक्षस आता है, सरना देवी आती है, और सरना देवी जो है उनको बचा लेती है, तो ये स्टोरी किसकी है, ये आपकी स्टोरी हो गई आपकी सरना देवी की, और ये सरहुल अब इसीलिए मनाया जाता है, अभी कब मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ चैत्रा, ऑन द ऑन दिस ओकेशन, अभी कौन सा टाइम होता है, ऑन द ओकेशन, ऑन द ओकेशन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ साल ट्री, फ्लावरिंग ऑफ साल ट्री, ठीक है, ऑफ साल ट्री। अब क्या किया जाता है, मैंने पहले सरना देवी की स्टोरी आपको बताई थी, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सरहुल के बारे में, ठीक है, ऑन द क्या बोला मैंने, ऑन द ओकेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लोइंग लिख दिया, फ्लावरिंग ऑफ साल ट्री, अ सिंबॉलिक मैरिज, सिंबॉलिक मैरिज किया कराया जाता है, किसका, सन गॉड एंड मदर अर्थ का, सिंबॉलिक मैरिज ऑफ सन गॉड एंड मदर अर्थ कराया जाता है, ठीक है। फर्दर इसमें क्या किया जाता है, देखिए जो ये आपका साल का ट्री है, साल के ट्री के नीचे गोबर से लिपाई कर दी जाती है और पूजा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और प्रसाद क्या बांटा जाता है, साल के पत्तों को बांटा जाता है, तो अब इसमें सिंबल देखिए लिख लीजिए इसको भी, बिलो साल ट्री, साल ट्री के नीचे क्या किया जाता है, पहले गोबर से लिपाई, कोई भी अच्छा चीज़ होता है हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसमें गोबर को बहुत शुभ शुभ माना जाता है, तो उसको पहले वहाँ पे सफाई की जाती है, फिर पूजा किया जाता है, पूजा करने के बाद जो प्रसाद बटता है, प्रसाद प्रसाद किस चीज़ का होता है, वो साल का पत्ता ही पड़ता है, साल का लीव्स, ठीक है। फर्दर अब आप देख सकते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब इसमें मैरिज मैंने बताया क्या, सन गॉड एंड मदर अर्थ, मदर अर्थ, ये दो लोगों का सिंबॉलिक मैरिज कराया जाता है, तो सिंबोलाइज कैसे किया जाएगा, तो सन गॉड जो होते हैं उनको ब्लैक कॉक के तरफ दिखाया जाता है, ब्लैक जो आपका हैन होता है ना, ब्लैक हैन उसके द्वारा दिखाया जाता है, और आपका जो ये होता है ये मेल होता है, ठीक है, मेल ब्लैक हैन के द्वारा दिखाया जाएगा, और ये जो है फीमेल ब्लैक हैन, ठीक है, ब्लैक तो ये फीमेल, तो मदर अर्थ को इसके द्वारा डिपिक्ट किया जाता है, इन दोनों की मैरिज होती है, मैरिज दैट इज सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक मैरिज होती है। अब यहाँ पे इसके ये मैरिज होने के बाद आपका क्या किया जाता है, सरहुल डांस, सरहुल डांस, यही सरहुल डांस है जो कि आप लोग देखे होंगे वहाँ होता है, कहाँ, ओराव ट्राइब के द्वारा किया जाता है, एंड दिस फेस्टिवल इज एक्सीलेंट, इट इज अ फेस्टिवल दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लव फॉर नेचर अमॉन्ग ट्राइब, आप देख रहे हैं ये लव फॉर नेचर अमॉन्ग ट्राइब है, ये दिखाता है हमको क्या, ये पूछ देता है क्वेश्चन, लव फॉर नेचर Among tribes, ठीक है, तो we have dealt with the third festival, fourth festival, that was Sarhul. तो further moving towards the festival of Bhima Jatra. अब आपको Bhima Jatra जो दिख रहा है,
ये एक्चुअली क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है, ये जो बेसिक फेस्टिवल है इसमें भीमदेव का बहुत बड़ा रोल है और मदर अर्थ इसमें भी है, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ जेठ भीमादेव इज मैरिड टू मदर अर्थ, ठीक है। तो अर्लियर ये कहा, ये कौन सा सरहुल में किसको किया गया था आपका, दो यहाँ पे मैरिज किसकी किसकी कराई गई थी, सन गॉड और मदर अर्थ की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। भीमा यात्रा में आपका भीम क्लियर है, भीम ना, तो भीम देव इज मैरिड टू मदर अर्थ, ठीक है। तो फर्दर दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इन एंथुजियाजम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन एंथुजियाजम इज फॉर विशिंग ऑफ रेन, इन लोग रेन के लिए, रेन, ठीक है, विशिंग ऑफ रेन। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ट्राइब कि पानी गिरे, ज्येष्ठ के महीने में इनको पानी चाहिए होता है, क्योंकि अब ये महीना जो आपका है ये अब आप बीज लगा चुके हैं तो द फार्मर्स नीड वाटर और वाटर फॉर देयर फील्ड्स, क्योंकि अब बीज इसके बाद क्या है तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर इसमें और क्या किया जाता है, इसमें देखिए भीम देव एंड मदर अर्थ की मैरिज कराई जाती है इन सम एरिया, मेढका मैरिज जो होता है ना, मेढक उसका भी शादी कराया जाता है, इन सम एरिया ऑफ बस्तर मेढक मैरिज, टर टर करता है ना मेढक, मेढक मैरिज इज ऑल्सो परफॉर्म्ड। आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात होती है, बरसात होने के पहले जो ये मेंढक होते हैं टर टर करने लगते हैं, तो ये मेढक की मैरिज कराई जाती है ऑन द होप कि अच्छा रेन होगा, ठीक है, अच्छा रेन होगा। फर्दर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज गोंचा फेस्टिवल। ये आप देख रहे हैं, ये फेस्टिवल आपने लगता है फोक में भी देखा होगा, मगर बहुत बड़े रूप में देखा होगा, दैट वाज द पूरी फेस्टिवल जहाँ पे कौन कौन था, कृष्ण भगवान थे हुआ, दैट वाज जगन्नाथ, बलराम द एल्डर ब्रदर एंड देयर सिस्टर, दैट वाज सुभद्रा वाज गोइंग टुवर्ड्स गुंडीचा टेम्पल की ओर जा रहे थे उन लोग, एट द टाइम ऑफ गुंडीचा टेम्पल कहाँ जा रहे थे, एट द टाइम ऑफ रथ यात्रा या फिर रजुतिया जो आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ा था। तो गोंचा इज द रथ यात्रा ऑफ बस्तर, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बस्तर रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक पुरुषोत्तम देव कौन थे, ही वॉज अ फोर्थ काकतिया किंग थे पुरुषोत्तम देव, वो ही वेंट टू जगन्नाथपुरी गए और वहां जाके इन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल में विजिट किया एंड प्रेड देयर, ठीक है। तो अब फर्दर आफ्टर कमिंग टू छत्तीसगढ़ इन्होंने ये यात्रा चालू करवाई, ठीक है, ये यात्रा चालू कर, अच्छा पुरुषोत्तम देव वॉज द वन जिन्होंने बस्तर दशहरा भी कराया था, 75 डेज का बस्तर दशहरा जो है उन्होंने ही चालू कराया था, ठीक है। तो फर्दर इसमें क्या होता है, देखिए आपको मैं फर्दर अब हम लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्या समझते चलेंगे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन बस्तर रीजन, ठीक है, बस्तर रीजन। कब कराया जाता है, इन शुक्ल पक्ष और कौन से महीने में पड़ता है, या आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ आपको पता है पहले से कि रथ यात्रा कब पड़ता है। अब बैकग्राउंड ऑफ द फेस्टिवल आई हैव टोल्ड यू कि द काकतिया फोर्थ काकतिया किंग नेम्ड हु व्हाट वाज द नेम पुरुषोत्तम देव ऑल्सो वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रथपति, ठीक है, इनका टाइटल भी दिया गया था। यहाँ से आए ना जब ये क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी से जब वापस आते हैं ये प्रे करके, तो इनको रथपति की उपाधि दी जाती है या टाइटल ऑफ रथपति वॉज गिवन टू हिम, ठीक है, रथपति। फर्दर ही वेंट पुरुषोत्तम देव वेंट टू जगन्नाथपुरी टेम्पल। अब यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद ये वापस आने के बाद ये चालू करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए गोंचा फेस्टिवल में एक्चुअली क्या होता है, विलेजर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द जगदलपुर रीजन, जगदलपुर में भी आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी का टेम्पल है, तो इसमें क्या होता है, विलेजर्स फ्रॉम नियर बाई विलेजर्स कम टू जगदलपुर आते हैं, ठीक है। अब दे इंस्टॉल देयर द आइडल ऑफ श्री जगन्नाथ जी, इंस्टॉल आइडल ऑफ जगन्नाथ जी, ठीक है।
आफ्टर दैट ये इसके अंदर सब लोग यहाँ पे जगन्नाथ जी का यहाँ पे यहाँ बैठाते हैं। ये देखिए तीनों है, तीन यहाँ पे भी है, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो आपका ये तीनों है ये पूरा बस्तर का रीजन गोल घूमता है 9 दिन तक, ठीक है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है ये एक्चुअल में, तो इसके बाद ये जो पूरा का पूरा है ये बस्तर के रीजन में पूरा घूमेगा, ठीक है। कहाँ घूमेगा? पूरे बस्तर के रीजन में, और फिर एंड करेगा कहाँ पे आके, वापस से यहीं पे आके जगन्नाथ टेम्पल ऑफ जगदलपुर में आके एंड करेगा, ठीक है। जब ये एंड करता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में पूछता है, तुपकी का वो दिया जाता है क्या, तुपकी इज बस्टेड ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ जगन्नाथ जी। जैसे ये टेम्पल के पास आते हैं, तुपकी क्या होता है, देखिए तुपकी ऐसा एक वो होता है, ये देखिए ऐसा एक कोनिकल शेप में होता है, ठीक है, कोनिकल शेप में होता है तुपकी। अब ये तुपकी में बीज डाली जाती है, किसकी, मलकागिनी की बीज, जो होता है ना पेंग बोलते हैं, मलकागिनी का बीज जो है पेंग, इसमें डाला जाता है और यहाँ से मुंह से इसको ब्लो किया जाता है। तो ये जो तोप होता है ना आपका, तोप छोटा सा तोप है मान के चलिए, आप जो कागज को फोल्ड करते हैं ना जिसमें आप लोगों को पीनट्स देता है, वैसे ही पीनट्स देता है, वैसे ही इमेजिन कर लीजिए ये है। यहाँ से आप ब्लो करेंगे, यहाँ पे आपका मलकागिनी का बीज रहेगा, तो ये बाहर निकलेगा। दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू पे रेस्पेक्ट टू जगन्नाथ जी, ठीक है, जगन्नाथ जी। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है, ठीक है। तुपकी क्या है, तो मैंने बता दिया आपको तुपकी क्या है, इसमें और लिख लीजिए पेंग, या फिर उसको मलकागिनी भी बोलते हैं, ठीक है, मलकागिनी जो ये बीज यहां अंदर डाला गया, ये क्या है बता रहा हूं, तेल, मलकागिनी ट्री फ्रूट यूज्ड अंडर तुपकी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पूछ देगा क्वेश्चन में तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इट इज बस्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ जगन्नाथ जी, ये सब मेंस में आपको लिखने का इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट 7th फेस्टिवल, दैट इज अमूंज फेस्टिवल। एंड अमूंज फेस्टिवल आई हैव टोल्ड यू इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हरेली अमावस्या में पड़ता है, ना हरेली, तो ये हरेली के दिन मनाया जाता है। फॉर प्रे इट इज प्रेड फॉर एनिमल मेडिसिन, एनिमल जो होता है उनके औषधियों के लिए, मेडिसिन के लिए प्रे किया जाता है। और ये इस दिन में दो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए दो इंपॉर्टेंट ट्री को भी प्रे किया जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये तो पूछा ही हुआ है, और चीजें पूछ सकती हैं जो है, रसना ट्री का भी यहाँ पे पूजा किया जाता है, और सतावरी, ये दोनों ट्री का भी स्पेशल, ये दोनों ट्री का इंपॉर्टेंस है इस, मतलब इस फेस्टिवल में, माइट बी कि इससे कुछ मेडिसिन बनती होंगी एनिमल के लिए, तो ये दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द डे ऑफ हरेली, और ये क्यों मनाया जाता है, फॉर द मेडिसिनल पर्पज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हरेली के दिन मनाया जाता है। फर्दर हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम क्या देखेंगे, कौन सा फेस्टिवल हम देखेंगे, कर्मा देखेंगे ना, कर्मा, हाँ चलिए, भीमा जात्रा, कर्मा, और कौन कौन सा बचा हुआ है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फेस्टिवल। ये पेन, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच रिगार्डिंग पेंसिल, चलिए अब चल रहे हैं। कर्मा, तो कर्मा इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ओराव ट्राइब, बैगा ट्राइब। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये 6 ट्राइबों का, सबको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है, तो कौन कौन सी ट्राइब है, तो ये आप लिख लीजिए बैगा, भिंजवार, गोंड, देन वी हैव उराव, उराव का मेन फेस्टिवल है, ठीक है, उराव का सरहुल पढ़ा था उराव से, सेकंड हम मेन फेस्टिवल किसका है, उराव का लिख लीजिए, बट ये सारे भी बनाते हैं ना, बैगा, भिंजवार, गोंड, मेन फेस्टिवल ऑफ उराव लिख लीजिएगा। फर्दर दो और है, के से है, कंडरा एंड कंवार, ठीक है, तो ये फेस्टिवल आपने दोनों देख लिया, बैगा, भिंजवार, गोंड, उराव, कंडरा एंड कंवार, एंड इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ उराव ट्राइब, ठीक है। अब इस फेस्टिवल में मेन इंटेंशन क्या होता है, तो देखिए कर्मा से आपको समझ आ रहा है कि कुछ कर्मा फिलोसफी से रिलेटेड होगा ये, तो इट इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड फॉर द मेन इंटेंशन ऑफ दिस फेस्टिवल इज द इनफिनाइट प्राइमेसी ऑफ कर्मा इन लाइफ, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है क्यों मनाया जाता है, तो लिख लीजिए मेन इंटेंशन ऑफ फेस्टिवल, इंटेंशन ऑफ फेस्टिवल इज द इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट मतलब एंडलेस प्राइमेसी मतलब सबसे ऊंचा प्राइमेसी ऑफ कर्मा ऑफ लाइफ, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, ये मेन इंटेंशन है इस फेस्टिवल का। अब कौन कौन ने मनाता है, बैगा, भिंजवार, गोंड, कमार, कंडरा एंड उड़ाव, इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ उड़ाव।
आप क्वेश्चन में आपको कहीं आता है कि मैक्सिमम ट्राइब के द्वारा या मैक्सिमम ट्राइब कौन से फेस्टिवल को मनाती है, तो दिस इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, एंड दिस फेस्टिवल इज वॉट कर्मा फेस्टिवल। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, मोस्ट फेमस फेस्टिवल आप लिख लीजिए, फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल। ठीक है, फर्दर इसमें होता क्या, देखिए इसमें हार्डवर्क जो होता है ना लेबर का, उसको यहाँ पे प्रे वो वर्शिप किया जाता है। ठीक है, और ये होता कब है, देखिए वर्शिप हार्डवर्क। ठीक है, फर्दर ये अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कब मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन, देखिए होता क्या है, ये देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, इट इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड, ये अभी का क्या हो गया आपका, ये कौन सा मंथ है आपका, ये आपका जो टाइम है ये वो टाइम पड़ता है जिस पर्टिकुलर टाइम में आपने अपने फील्ड पे जो सीड है उसको सो कर दिया है। अब जो सीड सो होने के बाद वो बड़े भी हो गए हैं, रोपाई जिसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है ना, ये रोपाई का टाइम निकल चुका है, तो अब ये पर्टिकुलर रोपाई के बाद देयर इज नथिंग मोर, आपको बस वहां पे इरिगेट करना होता है इस पर्टिकुलर फील्ड को, तो इस पर्टिकुलर टाइम जो पैडी के आपके प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग के टाइम का जो बीच का टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के एकादशी के भादों के टाइम पे आपका कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो फेस्टिवल आपका है कर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी आप लिखने वाले हैं, बिटवीन हॉलीडे पीरियड ऑफ सोइंग ऑफ पैडी सीड एंड हार्वेस्टिंग, इनके बीच का टाइम, ठीक है, हार्वेस्टिंग That is the एकादशी of भादो, भादो का वो टाइम होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका मनाया जाता है क्योंकि ये फ्री टाइम होता है, इस टाइम पे कुछ करने को ज्यादा होता नहीं है, तो दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल। ठीक है, ट्राइबल लाइफ इज लाइक दिस ओनली, कि दे सेलिब्रेट, दे लिव लाइफ वेरी इन अ गुड वे। ठीक है, तो इन इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को कहीं मनाया जा रहा है, तो कोई डांस किया जाएगा, तो कर्मा डांस इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑल्सो ऑर्गेनाइज हियर, ऑर्गेनाइज, और ये पर्टिकुलरली आपका ये देखिए ये कर्मा डांस है, ये बहुत सुंदर सा कर्मा डांस है, वेरी सेलिब्रेटेड डांस, डेकोरेटेड डांस ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज नवाखाई, नवाखाई नया नया खाना, ये दिख रहा होगा खाना आपको, सबको दिख रहा होगा, ये जो डाला है मैंने, ये देखिए ये रोट है, ये रोट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, रोट ये रोट है। ठीक है, नवाखाई में रोट इंपॉर्टेंट होता है, यही नए वाले जो अनाज आते हैं उसको पिसवा के बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, चला आगे क्या है, ये सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ भादो, भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष। अगर आप लोग को ये पक्ष वक्ष समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक अलग से मैंने क्लास बनाई है हिंदी कैलेंडर के नाम से, उसको आप देख लीजिए, तो आपको भादो शुक्ल पक्ष सब क्लियर हो जाएगा, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, 20-1 मिनट की क्लास है, लेट गो एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो, आपको सब क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ, ऑन द नवाखाई सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ भादो शुक्ल पक्ष। अब ये क्यों मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन, जब क्रॉप वापस आपके घर ले आया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ये जो नया क्रॉप आता है उसको लिया जाता है, एंड दैट क्रॉप इज मेड, उस क्रॉप का फ्लोर बनाया जाता है, जो आटा बोलते हैं फ्लोर, और उसमें रोट बनाई जाती है, रोट, ठीक है, आपका रोट बनाई जाती है जैगरी और घी मिला के, तो दिस फेस्टिवल, और ये नया नया खाते हैं सब चीजें अच्छे से, तो इसी को नवाखाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड ऑन द अराइवल ऑफ, वाई आई एम राइटिंग एवरीथिंग, मैं तो बता के भी निकल सकता हूँ, बट बिकॉज नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड गाइस, नोट्स आपके पास होना चाहिए, ऑफ न्यू क्रॉप ट्राइब्स ऑफ अ न्यू ग्रेन एंड वाइन टू द एंसेस्टर एंड After that they eat it. देखिए होता क्या है ना, ये जो वाइन है और ये सब जो पेय पदार्थ हैं, ये सारे जो beverages हैं, these are more important, these are actually important with respect to tribes. We will deal with this in, जब हमने अलग अलग tribe ने पढ़ना है, तो पेज कौन पीता है आपका, सल्फी कौन पीता है, तो this is important cultural thing in the tribal community. You guys should know that. ठीक है, further let's move toward the next festival, that is चारू जात्रा, आई हैवंट यहाँ लिखा नहीं है मैंने, दियारी लिख दिया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम चारू जात्रा। ठीक है, चारू जात्रा, दिस इज अ ट्राइबल फेस्टिवल,
विच इज फॉर द वर्क नहीं आई हैव रिटन एक्जेक्टली चारू जात्रा मैंने बनाया है क्या जस्ट अ सेकेंड नहीं आई हैवंट मेड इट आई थिंक सो ठीक है चारू जात्रा एक्चुअली जब ये हार्वेस्टिंग सीजन हो जाता है तो ये नवाखाई के बाद ये हार्वेस्टिंग हो गया नाउ द पीपल द मेन्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी आर फ्री तो ऑन दिस टाइम दिस मैन सेलिब्रेट द फेस्टिवल फॉर द वर्शिप ऑफ देयर एग्रीकल्चर लैंड अब ये एग्रीकल्चर लैंड को वर्शिप करने के लिए ट्राइबल लोग क्या करते हैं यहाँ लेके आते हैं ये लोग क्या कॉक गोट चिकन पिजन डक ये सब लेके आएंगे दे सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस किसके लिए करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के लिए कि इतना अच्छा हार्वेस्ट हुआ हमारा और इसलिए दे प्रे दे सेक्रीफाइस दैट फॉर द सेक ऑफ गुड एग्रीकल्चर लैंड और उसके बाद दे विल कुक इट एंड ईट इट एंड द बेसिक थिंग इज नो वुमेन इज देयर नो वुमेन इज देयर इन द टाइम ऑफ चारू जात्रा दे ट्राइबल वर्शिप देयर एग्रीकल्चर लैंड ठीक है अच्छा वुमेन डू नॉट पार्टिसिपेट आई हैव टोल्ड यू अब क्या लाते हैं पिजन चिकन गोट पिजन डक ठीक है कुछ भी लेके आएंगे एंड सेक्रीफाइस देयर सेक्रीफाइस बाय मैन ठीक है फर्दर दे कुक इट एंड दे ईट इट देयर फर्दर द नेक्स्ट फेस्टिवल इज दियारी फेस्टिवल एट द टाइम ऑफ सुरहत्ती व्हेन आई वाज टीचिंग यू द सुरहत्ती और दिवाली और दियारी फेस्टिवल I have told you that कि बस्तर में the Diwali is celebrated in the next day on the second day further on the second day of Diwali in Bastar region Diwali festival मनाया जाता है और इस दिन में क्या होता है actually जो गौठान का जगह होता है ना गौठान क्या होता है the गौठान is a place where the cattle are kept there तो उस गौठान को काफी अच्छे से साफ सफाई की जाती है and the गौठान is prayed at that day ठीक है on this day the place where cattle are kept इसी place को हम लोग छत्तीसगढ़ी में गौठान बोलते हैं ना गौठान in afternoon आर वर्शिप्ड ठीक है वर्शिप्ड फर्दर बुल्लक जो होते हैं वहाँ पे जो उन लोगों को वहाँ खिचड़ी विचड़ी भी खिलाई जाती है ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है आप मान सकते हैं इसको ठीक है तो फर्दर वी हैव दियारी हो गया अब बाली परब है ना बाली परब नेक्स्ट फेस्टिवल इज बाली परब द बाली परब इज सेलिब्रेटेड बाई हलवा एंड भतरा ट्राइब सेलिब्रेटेड बाई हलवा एंड भतरा ट्राइब ठीक है अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा बाली तो इट इज रिलेटेड समथिंग विद बाली तो इसमें क्या होता है इट इज एक्चुअली इट इज देखिए आप इसमें ऐसा बना सकते हैं चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 3 months सबसे लंबा फेस्टिवल है ये बहुत कॉस्टली है ये इस बाली पर्व को मनाना ठीक है देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दिस फेस्टिवल जब पैसा आएगा तब मनाया जाएगा नो स्पेसिफिक टाइम नो स्पेसिफिक टाइम ठीक है कंटिन्यूअसली फॉर 3 months नो स्पेसिफिक टाइम वेरी कॉस्टली आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा 3 महीना किसी भी फेस्टिवल को चलाना कितना कॉस्टली होगा तो इस कॉस्ट को बियर अप करने के लिए इन लोग कलेक्ट करते हैं पैसे फ्रॉम होल विलेज कलेक्शन इज डन फर्दर डांसिंग सिंगिंग और बहुत ही जब होता है ये फेस्टिवल तो दे एन्जॉय ठीक है अब ये होता क्या है देखिए इसमें पर्टिकुलरली एक सेमल का ये ऐसा राउंड जगह है मान के चलिए यहाँ बीच में सेमल का पिलर होता है सेमल पिलर ठीक है सेमल पिलर और इसके अराउंड यहाँ पे डांस किया जाता है पूरा तो यही बाली परब में ऐसा किया जाता है आपको पता होना चाहिए ठीक है पीपल है यहाँ पीपल डांस अराउंड गोल गोल राउंड घूमते घूमते यहाँ पे ये रोज ये क्या करते हैं एंजॉय करते हैं डांस करते हैं ठीक है फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज आमाखाई अब आमाखाई आमा आपको छत्तीसगढ़ में पता होगा मैंगो को बोला जाता है तो जब मैंगो में सबसे स्टार्टिंग जो होता है प्रोमिनेंटली क्या होता है ये जो देखिए सबसे पहले कौन से 2 tribe मनाए जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट ट्राइब है आपका धुरवा और परजा धुरवा एंड परजा ट्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल अब इसमें होता क्या है जब वैन मैंगो जब ब्लॉसम करता है जब उसमें फूल आते हैं मैंगो में तो ये जो है अपने सेक्रेट डेटी को जो गुड़ी इलाका होता है वहां पे जाके दे ऑफर फर्स्ट ऑफ ऑल टू द प्रिसाइडिंग डेटी देयर ठीक है आफ्टर दैट दे कंज्यूम इट तो यही बस ये देखिए दिख रहा है आपको आमा तिहार तो यही आप लोग ये जो आपका जगह है यहाँ पे इन लोग अपने डेटी को ये प्रेजेंट कर रहे हैं एक कब से होता है आप देख लीजिए सेलिब्रेटेड व्हेन मैंगो ब्लॉसम्स मैंगो
ब्लॉसम्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑन द सेक्रेड ट्री, ऑन द सेक्रेड ट्री मैंगो इज फर्स्ट ऑफर्ड, मैंगो इज फर्स्ट ऑफर्ड टू प्रिसाइडिंग डेटी, जो भी उस गांव की डेटी होंगी उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर देन दैट इज कंज्यूम्ड, इट इज कंज्यूम्ड, ठीक है, इट इज कंज्यूम्ड। तो नेक्स्ट फेस्टिवल इज लक्ष्मी जगार, लक्ष्मी एंड जगार, जगार इज व्हाट, कोकोनट, कोकोनट एंड लक्ष्मी इज व्हाट, बाली दैट व्हाट कैन से दैट वो यार अर्न्स ऑफ पेडी, पेडी, ठीक है, अर्न्स ऑफ पेडी, ठीक। तो ये दो चीजें आपको अलग अलग वर्ड यहां से समझ आ रहा है। तो अभी होता क्या है, देखिए इसमें जब आपका नया धान वान कट गया है तो जो बाली होती है ना, आपकी बाली जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्न्स ऑफ पेडी। व्हेन द अर्न्स ऑफ पेडी इज ब्रॉट टू होम, इट दैट पेडी इज रिगार्डेड एज अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो दैट, एंड दैट पेडी इज टेकन टू द जगार, जगार घर बोल सकते हैं या पूजा रूम बोल सकते हैं। देखिए जगार घर जो होता है उसी को पूजा रूम बोलते हैं ना, जगार घर, और देवता घर जिसको बोलते हैं हम उसी को हम लोग पूजा रूम जो घर में होता है वहाँ। तो द अर्न्स ऑफ पेडी दैट वॉज ब्रॉड फ्रॉम द आफ्टर द हार्वेस्ट इज रिगार्डेड एज द गर्ल चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट अर्न ऑफ पेडी इज टेकन टू द जगार घर, और द दैट जगार घर इज उसको क्या माना जाता है, इट इज माना जाता है कि वो ग्रूम का घर है, वो ग्रूम का घर है, ठीक है। तो जो गर्ल है वो अपने कहाँ से आ रही है, खेत से आ रही है, जो पेडी फील्ड से आ रही है, एंड इट इज टेकन टू जगार घर, जो आपके घर के अंदर पूजा रूम होगा, एंड दैट जगार घर इज डिपिक्टेड एज द ग्रूम्स हाउस, ग्रूम्स हाउस आपको पता होना चाहिए, ग्रूम्स हाउस, ठीक है। इसको ब्राइड का घर माना जाता है, सॉरी ग्रूम का घर माना जाता है विद, और ये जो आती है ना बाली को लेके तो बहुत ग्रेट, मतलब जैसे बारात आती है वैसे टाइप से आते हैं, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, इसमें ऐसा आते हैं सबके सब लेके, ठीक है। फर्दर ये जो है ना आपका जगार घर में, वहाँ एक कोकोनट रखा होता है, कोकोनट, तो कोकोनट का मैरिज कराया जाता है किसके साथ, अर्न ऑफ बैली, जिसको अर्न ऑफ बैली को जो माना, किसको अर्न ऑफ बैली जो होता है उसको क्या माना जाता है, लक्ष्मी जी मानी जाती है, और जगार जो है कोकोनट उसको क्या माना जाता है, विष्णु जी माना जाता है, ठीक है। तो ये विष्णु जी और आपका लक्ष्मी जी की यहाँ पे शादी कराई जाती है, एंड दिस इज व्हाट हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, और इसमें जगार गीत गाया जाता है। ये फोटो आप देख रहे हैं, देखिए ये आपका वो क्या है, कोकोनट है, और ये आपका ऐसा मनाया जाता है, मटके वटके हैं यहाँ पे ऐसा पूरा, ये गाना गा रहे हैं भाई साहब, तो ये जगार गीत गा रहे हैं, ये बस्तर के पारंपरिक गीत लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए तो मैं इसमें लिखा देते हैं आप लोगों को, लेट्स राइट व्हेन अर्न्स ऑफ पैडी ब्रॉट brought to home, technical glitch is happening again and again, pencil is not working, and taken to jagar house, that jagar house is what, groom's house, groom's house, इसी को माना जाता है, ठीक है, groom's house with great pomp and show, a symbolic coconut मैरिज ऑफ पैडी अर्ल की पैडी प्लस कोकोनट, इन दोनों का कराया जाता है, ठीक है। अब पैडी इज व्हाट, पैडी हम लोग लक्ष्मी जी को मानते हैं, लक्ष्मी जी, एंड कोकोनट इज व्हाट, विष्णु जी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फेस्टिवल हो गया, लक्ष्मी जगार भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास कौन सा फेस्टिवल नेक्स्ट बचा हुआ है, वी हैव द लास्ट फेस्टिवल दैट इज बासी तिहार। अब बासी तिहार, बासी ओल्ड 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 ओल्ड, तो आपको समझ आ रहा है ये लास्ट तिहार है, ये जो पूरा का पूरा जो एंड करता है तिहार, इट इज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ, लास्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन है पूछ देता है ऑफ छत्तीसगढ़। एंड दिस फेस्टिवल, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, बिटवीन जब समर एंड रेनी सीजन का बीच का टाइम होता है, जो फागुन का टाइम होता है ना, फागुन टू चैत्र के टाइम जो होता है, फागुन जो ठंड से जाने के बाद और चैत्रा जो पहला मंथ है उस टाइम पे जो आने का टाइम होता है, इस पर्टिकुलर ट्राइब में जो ट्राइब्स होते हैं वो पुराना जो खाना बना के लेके जाते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में, लैंड में, और वहाँ खाते हैं, तो इसीलिए इसको बासी तिहार बोला जाता है। ओल्ड फूड, दे टेक द ओल्ड फूड एंड दे ईट देयर, ठीक है। तो ऐसे ही मनाया जाता है, बस मनाया जाता है कौन सा, फागुन, एट द टाइम ऑफ फागुन टू चैत्रा ट्राइब्स
टेक ओल्ड फूड टू देयर एग्रीकल्चर लैंड एंड दे ईट देयर। ठीक है, तो ये बासी तिहार भी हम एंड कर चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लास्ट फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट है, कब आना है चैत्रा, फागुन टू चैत्रा के टाइम में, और ये क्या है ओल्ड फूड लेके जाते हैं। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फेस्टिवल दैट आर ट्राइबल फेस्टिवल, अर्लियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द नॉन ट्राइबल फेस्टिवल एंड ट्राइबल। तो अब छत्तीसगढ़ के सारे फोक ट्राइबल फेस्टिवल एंड नॉन ट्राइबल फेस्टिवल आर एंडेड। सो गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो क्लास, तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।